हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे .NET कोर्स के इस अगले भाग में, जिसमें हम जानेंगे कि MVC फ्रेमवर्क को हम अपने एप्लीकेशन में कैसे ऐड करें। इस तरह हमारा ये स्टार्टअप पेज था, एक मिडलवेयर फंक्शन जो होता है हमारे MVC फ्रेमवर्क को यूज करने का, ये होता है app.use MVC। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमें एक एरर दिखा रहा है। इस एरर के बारे में आपको ज्यादा बताना चाहूंगा कि MVC फ्रेमवर्क का जो पैकेज होता है, न्यूगेट पैकेज होता है, ये इनबिल्ट हमारे इस एप्लीकेशन में इंक्लूडेड नहीं होता है। इसे हम लोग को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए वही इस पर राइट क्लिक करके हम लोग को मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पे जाना है। यहाँ पे आपको MVC करते ही आपको एक ये Microsoft.NET MVC फ्रेमवर्क का ये मिल जाएगा। आप इस बटन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब एरर लिस्ट में वो एरर आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने अपना वो MVC पैकेज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया इसको इंक्लूड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस app.use MVC फंक्शन से हम लोग अलग अलग मिडलवेयर फंक्शंस को, कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि ये आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कंट्रोलर होम, जिससे कि हम लोग डिजाइन पैटर्न्स को डिवाइड कर सकते हैं और उनको डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग मैंने लिखी है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो एक फाइल का URL है, ये एक्चुअली हमें उस फाइल से कनेक्ट कर सकता है। ये स्ट्रिंग एक्चुअली UTF-16 एक रेफरेंस को डिसाइड करता है, ये एक URL की तरीके होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब अगली बात करते हैं हम MVC फंक्शन को डिफाइन करने की। डिफाइनिंग के लिए हम लोग ने ये URL को पूरी तरह फिक्स कर दिया है। पर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक रन टाइम एरर के बारे में बताना चाहूंगा, जब हम लोग इसको डीबग कर देंगे कि अभी भी एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये एक्सेप्शन इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि भले ही हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को इसमें ऐड कर दिया है, पर अभी भी हम लोग ने एक MVC फंक्शन की सर्विसेज को नहीं इसमें डिप्लॉय करा है। इसलिए एक और मिडलवेयर फंक्शन हम लोग को यूज करना पड़ेगा उसके लिए, जिसका नाम है services.addMVC। और अब हमने यहाँ पे जो JSON फाइल्स हैं थी हमारी, env.content.root path, इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और इसका पैकेज भी न्यूगेट पैकेजेस से हम लोग ने डिप्लॉय कर लिया है, इम्पोर्ट कराया है। और ये services.addMVC का जो पैकेज होता है, ये भी बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड नहीं होता है हमारे इस .NET फ्रेमवर्क स्टूडियो में, इसलिए हम लोगों को इसको अलग से इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। इम्पोर्ट कराने के लिए मैंने आपको तरीका पहले ही बताया था। इम्पोर्ट कराने के बाद यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखेगी। इसको डीबग करते हैं आइए, और आप देख सकते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये वेबसाइट बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोग ने पिछले .NET फ्रेमवर्क से इसको करा था। पर देखिए, ये अब डायनेमिकली चल रही है। आप देख सकते हैं कि डायनेमिकली किस तरह ये वर्क कर रही है। यहाँ पे हमारा जो एक फ्रंट एंड, ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये व्यू एक्चुअली कंट्रोल करता है, और इसके पीछे जो लॉजिक लगेगा वो असल में मॉडल हमारा कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आज हमने जाना कि MVC फ्रेमवर्क को हम कैसे अपने एप्लीकेशन में एडअप करा सकते हैं, और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट या सिंपल वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को कंट्रोलर कैसे हैंडल करता है।